अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ग्राफिक्स वाली सरकार। और दोस्तों आज की क्लास में मैं लाया हूं आपके लिए फोटोशॉप की एडिटिंग। तो फोटोशॉप की एडिटिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सबसे आसान तरीका है मेरे पास ग्राफिक डिजाइनिंग में फोटोशॉप की एडिटिंग करने का तरीका। तो दोस्तों हम सबसे पहले अपने फोटो को ओपन कर लेंगे फोटोशॉप में। ये वाला फोटो मैंने ओपन कर लिया। ये सबसे दोस्तों जो बिगिनर्स हैं जो सीखना चाहते हैं इस वीडियो को मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। यहाँ पर अगर आपने अपने जैकेट का कलर सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर सिलेक्शन टूल में आएंगे, पॉलीगोन लेसो टूल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लेना है अपनी जैकेट की सिलेक्शन। जहाँ जहाँ तक हमारी जैकेट है जहाँ वहाँ पर हमने सिलेक्शन शुरू कर देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक छोटा सा मसला दरपेश हो सकता है कि जब आप सिलेक्शन ख़त्म कर लेते हैं एक, तो उसके बाद आपने दूसरी सिलेक्शन करनी है। जब आप इसके साथ ही ये प्रेस कर देते हैं तो आपकी पुरानी सिलेक्शन ख़त्म हो जाती है। उसके लिए आपने एक बार शिफ्ट प्रेस करना है, फिर यहाँ पर क्लिक करना है, शिफ्ट को छोड़ देना है दस्ती, फिर आपने दोबारा सिलेक्शन शुरू कर देनी है। तो आपने यहाँ से सिलेक्शन शुरू कर देनी है। दोस्तों यहाँ पर मैंने अपनी जो सिलेक्शन है वो मुकम्मल कर ली है, अपने जो ये कोट है इसकी सिलेक्शन मैंने मुकम्मल कर ली है। दोस्तों यहाँ पर हम प्रेस करेंगे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पर हमने जो कोट है उसकी कॉपी ले ली है एक, यहाँ पर ये देखें कॉपी हो गया। इस पर हम कलर अप्लाई करेंगे, वो कैसे करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, कलर बकेट पेंट टूल पे क्लिक करेंगे और इसको कोई भी कलर दे देंगे। ये देखें ये वाला कलर रेड, रेड कलर मैंने दे दिया यहाँ पे, ठीक हो गया। दोस्तों अब यहाँ पर हमने कलर शो कैसे कराना है कि ये इसी जैकेट का ओरिजिनल कलर है, तो यहाँ पर नॉर्मल लिखा हुआ है, नॉर्मल को हम करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पे ये कलर शो होने लग जाएगा। ये देखें हमारे कोट का कलर चेंज हो गया जी। इसके बाद हम और भी तरीके से इसको कर सकते हैं, यहाँ पर हार्ड लाइट है, सॉफ्ट लाइट है, सॉफ्ट लाइट से हमारा कलर बहुत खूबसूरत आ जाता है। ये देखें ये रेड कलर हो गया, यहाँ पर हमने ये ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया, ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है इस फोटो पे। तो दोस्तों ये हमने सिलेक्शन कर ली अपने कोट के लिए। दोस्तों इसके बाद हम करेंगे अपने कपड़ों की सिलेक्शन, जिस तरह हमने कोट की सिलेक्शन किया उसी तरह हम कपड़ों पर भी सिलेक्शन कर। दोस्तों अगर यहाँ पर हमने जूम इन और जूम आउट करना है तो वो भी आपको बता दूं, कंट्रोल और आपके न्यूमेरिक कीबोर्ड पर प्लस का एक बटन होगा, उसको क्लिक करेंगे तो ये जूम होगा और कंट्रोल दबाकर माइनस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट होगा, जूम इन और जूम आउट होगा, ठीक हो गया। इसके बाद आपने जूम आउट कर जूम इन कर लिया और इसके बाद आपने इसको लेफ्ट राइट फेरना है, कैसे फेरेंगे तो वो भी आपको बता दूं, आपने शिफ्ट प्रेस करना है और माउस के राइट क्लिक से आप ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। आपने पहले ये शिफ्ट प्रेस, ये बैक स्पेस, यहाँ पर आपने बैक स्पेस, आपने बैक स्पेस नहीं सिर्फ स्पेस दबानी है जो अपने आपके कंप्यूटर के न्यूमेरिक कीबोर्ड में होता है, नीचे नीचे लंबा सा बटन होता है उसको क्लिक करेंगे और साथ ही राइट क्लिक को ऊपर नीचे करेंगे तो साथ ये देखें हमारा फोटो जहाँ भी ले जाएं वहाँ जाएगा, ठीक हो गया दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपने कपड़ों की मुकम्मल सिलेक्शन कर ली है। तो सिलेक्शन करने से पहले आपने यहाँ पर देख लेना कि ये ऊपर वाली लेयर सिलेक्ट ना हो, जब आप सिलेक्शन कर रहे हों उस वक्त ये नीचे वाली लेयर सिलेक्ट होनी चाहिए, ठीक हो गया। ये कपड़ों को यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, सिलेक्शन टूल पे रखा और यहाँ पर कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दिया तो ये कपड़ों की भी फोटो कॉपी हो जाएगी, आपको मैं दिखाता हूँ। ये हो गया, यहाँ पर फिर मैं वही टूल यूज करूँगा पेंट बकेट टूल, यहाँ पर मैंने कलर कर दिया ये वाला। आप ऊपर देख लें कि आपकी टॉलरेंस और कैपेसिटी इस तरह होनी चाहिए जिस तरह मेरे सिस्टम में आ रही है। यहाँ पर आपने नॉर्मल से मल्टीप्लाई में जाना है तो आपके कपड़ों का कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आपने कैपेसिटी थोड़ी सी कम कर देनी है तो ये आपके कपड़ों का कलर आ जाएगा, कोई भी कलर आप कर सकते हैं अपने कपड़ों का। तो दोस्तों इसके बाद हमने अपने फेस कलर को थोड़ा सा फ्रेश करना है तो नीचे वाले
टूल, इस पर बार पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने कंट्रोल एल से कंट्रोल एल दबाएंगे, इससे इसकी लाइट लेवल्स कर लेनी है, इसको ऑटो करेंगे। यहाँ पर इसको ओके कर लिया। यहाँ पर हम जाएंगे इमेज में, एडजस्टमेंट में और सिलेक्टिव कलर, सिलेक्टिव कलर से हम ये जो ब्लैक है ये हटा लेंगे, तकरीबन इतना इतना हटा दिया, ओके कर दिया। फिर हम यहाँ पर गए, एडजस्टमेंट में गए और यहाँ पर सिलेक्टिव कलर पर क्लिक करेंगे। ये देखें सिलेक्टिव कलर, यहाँ से हम रेड से ब्लैक कर देंगे, ब्लैक को थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो ये देखें हमारे बालों का कलर ब्लैक हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद हमने करना है इसकी मुकम्मल बैकग्राउंड कटिंग, तो बैकग्राउंड कटिंग के लिए भी हमने इस वाले फोटो को, नीचे नीचे वाले फोटो को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से कटिंग शुरू कर देनी है, अपनी सिलेक्शन करके कटिंग करनी है। दोस्तों देखें मैंने इसकी मुकम्मल सिलेक्शन कर ली है, ये मैंने सिलेक्शन यहाँ से की है, तो उसको हम करेंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे ऊपर वाले रेक्टेंगुलर, इस पर राइट क्लिक करेंगे और इस पर सेलेक्ट इनवर्स करेंगे, सेलेक्ट इनवर्स करेंगे तो ये दूसरा सेलेक्ट हो जाएगा बाहर वाला हिस्सा, इसको डिलीट करेंगे, ओके करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये हमारा मैजिक रेजर। ये देखें ये हमने रेज कर दिया इसको। इसके बाद हमने क्या करना है कि ऊपर वाले कलर को सिलेक्ट करना है, डिलीट ऊपर वाले को डिलीट, ये सारे एक एक बार क्लिक कर देने हैं, फिर ये मुकम्मल डिलीट हो जाएगा। इसके बाद हमने अपने बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है। बैकग्राउंड सिलेक्ट करने से पहले हम इसको क्रॉप टूल में जाएंगे, क्रॉप टूल में इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेंगे, इसको आगे ले गए, इसको थोड़ा सा यहाँ, इसको थोड़ा सा नीचे क्रॉप कर देंगे। अच्छा तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपना बैकग्राउंड ओपन करूँगा, कंट्रोल ओ ओपन करूँगा, ये वाला बैकग्राउंड उठाया मैंने, यहाँ से उठा के सिलेक्शन टूल से इधर लेके गए, इसको मुकम्मल यहाँ पर रख दिया, थोड़ा सा छोटा जूम आउट कर लिया, यहाँ से क्लिक करके यहाँ ले गए, ठीक हो गया। इसके बाद ये जो हमारा बैकग्राउंड है इसको पकड़ के बिल्कुल नीचे ले आएंगे, एक बार इसको ओके अप्लाई कर देंगे, इसके बाद इसको नीचे ले आएंगे तो ये आपके फोटो के नीचे आ जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद ये हो गया आपका बैकग्राउंड, देखें दोस्तों मुकम्मल सेटिंग हो गया बैकग्राउंड। इसके बाद अपने अगर फिर आप कहते हैं कि आपका ये कलर ठीक नहीं है, कपड़ों का कलर ठीक नहीं है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये वाला कलर सेलेक्ट किया मैंने, फिर यहाँ पर क्लिक किया, ये कलर कोई भी कलर आप कर सकते हैं अपने कपड़ों को उसके बाद भी, सिलेक्शन के बाद भी, क्योंकि अभी तक आपने इसको मर्ज नहीं किया, ठीक हो गया। ये मैंने ये कलर फिर सेलेक्ट कर दिया, ये अच्छा नहीं लगा मुझको, ये कलर सेलेक्ट कर दिया, ओके हो गया, ठीक हो गया। यहाँ पर आपने देख लिया कि आपका मुकम्मल फोटो बन गया है, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर सारी लेयर्स को कंट्रोल शिफ्ट और ई, कंट्रोल शिफ्ट और ई को एक साथ दबाना है, तो तमाम लेयर्स देखें मर्ज हो गई हैं एक दूसरे में, तो यहाँ पर हम इसको कंट्रोल एस सेव करेंगे। यहाँ पर फोटोशॉप है तो यहाँ पर लाएंगे हम जेपीजी फॉर्मेट, यहाँ पर हमने डेस्कटॉप पे अपना कोई भी नाम दे दिया, ये हमारा फोटो सेव हो गया। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इंशाल्लाह इसके बाद मैं आपको इससे भी अच्छा तरीका बताऊंगा कि आप अपने बैकग्राउंड की सेटिंग कैसे कर सकते हैं और बैकग्राउंड को ब्लर कैसे करना है, ये तो पहले भी ब्लर है। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इंशाल्लाह आपको डेली न्यू वीडियोस मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।